और मैं पूरे देश और दुनिया के इस फील्ड में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मैं इसके लिए आमंत्रित भी कर रहा हूं, वे लोग आए प्रदेश में अपना निवेश करें, हम इसको पीपीपी मोड में आगे लेके जा रहे हैं और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी, यहाँ पर तो बॉलीवुड के कुछ लोग भी, अभिजीत जी भी आए हुए हैं, वो भी आपको सुन ही रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको लेके जा रहे हैं और हम देश और दुनिया को वह देंगे जी जिसकी लोगों ने अब तक कल्पना की होगी, वह हम वहां पे करके दिखाएंगे। एक, क्योंकि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया तो वहां पर आपने एक बुल के सींग भी पकड़े थे, तो मैं जानना चाहता हूं वो संदेश किसको था। देखिए, वो बुल के सींग इस बात को लेकर के थे कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऐसी ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं जी। और जिसको लेकिन इसका राजनीतिक संदेश भी चला गया। मैंने कहा ना जी, अब उस प्रतिस्पर्धा में जिसको शामिल होना है जी, आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होइए, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज, चुनाव में इस बार आपका प्रतिद्वंदी कौन है? अखिलेश यादव, मायावती, अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी घूम रही है, या फिर ओवैसी, या फिर मैं कहूं योगी वर्सेज और होगी ये लड़ाई? देखिए, चुनाव है, हर दल को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जी जी जी, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ सभी लोग फिर आएंगे, जनता इसका जवाब पहले ही दे चुकी है। आपको प्रतिद्वंदी कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती, देखिए प्रियंका गांधी, ओवैसी? देखिए, ये सब कैसे प्रतिद्वंदी हैं, इनको कैसे आप प्रतिद्वंदी मान सकते हैं जी? उनके पास प्रदेश के विकास का कोई विजन नहीं है, कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति को मालूम है कोविड-19 के दौरान इनमें से कोई चेहरा था सामने? क्या कोई था? मैं पूछना चाहता हूं, जो चार नाम आपने गिनाए हैं, इन चारों में से जब कोरोना से प्रदेश की 24 करोड़ जनता डरी सहमी थी या उनके सामने एक चैलेंज आया था अपने जीवन को बचाने की, राजनीतिक दल के नाते उनका दायित्व भी बनता था कि वे सरकार के साथ सहयोगी बनते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक स्वयंसेवक इस पूरे अभियान के साथ पूरी श्रद्धा भाव के साथ जुड़ा था, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। सरकार ने नहीं कहा, लेकिन संगठन का नेतृत्व था, संगठन का एक उत्साह कि सारा था कि नहीं भाई, देखो संगठन का मतलब केवल संगठन का कार्य नहीं करना है, संगठन का मतलब सेवा भी होता है, और विपत्ति के समय संगठन के कार्य से इतर हट करके हम सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता उस अभियान के साथ जुड़ा था। ये काम सपा भी कर सकती थी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा भी कर सकती थी, कांग्रेस भी कर सकती थी, और कांग्रेस ने, खैर अखिलेश जी तो इस मामले में महान है कि उन्होंने पूरे कोरोना के दौरान अपने को क्वारंटीन कर दिया था और बहुत अच्छे ढंग से अपनी हिफाजत की थी जी। अच्छा है, वे स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं उनको, वो हमेशा ऐसे क्वारंटीन बने रहें जिससे प्रदेश की जनता का हित होता रहे। लेकिन आज वो बोल के गए कि अगर फ्री वैक्सीन लगेगी तो वो वैक्सीन लगवाएंगे प्रदेश की गरीब जनता को, वो वैक्सीन लगवा लेंगे, आज हमारे मंच पे बोला है अखिलेश जी ने। मुझे लगता है जी कि उन्होंने पहले भी कुछ किया नहीं, प्रदेश में सड़क नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, पर वो साइकिल की सवारी करवा रहे हैं, इस बारी कह रहे हैं कि 2022 बाईसाइकिल की बारी है। हाँ, तो देखिए उस हमेशा साइकिल में ही चलेंगे, जब सड़क नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तो साइकिल को ही कंधे पे ढोते हुए जिंदगी भर फिरते रहेंगे, कोई दूसरा काम है ही नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है, आप साइकिल का ही सहारा है। मैं वही कह रहा हूं ना जी, देखिए महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि 6 वर्ष के दौरान देश के अंदर महंगाई नियंत्रण करने और एक सामान्य नागरिक को जितनी बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है, कभी नहीं इसके बारे में कार्य हुआ। ये उन मुद्दों को टच करने का प्रयास कर रहे हैं जो अनावश्यक रूप से, जिसका कॉमन मैन के जीवन में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि व्यवहारिक जानकारी नहीं किसी चीज की, इसलिए करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी या अन्य दलों के नेता थे कहां कोरोना के दौरान? लगभग 1 वर्ष तक ये लोग सभी लोग अंडरग्राउंड थे। खैर, कांग्रेस के नेता तो वैसे ही महान है, प्रियंका गांधी तो मंदिरों में घूम रही है, तो इस समय मंदिरों में ही व्यक्ति अंतिम समय मंदिरों की शरण में जाता है, अंतिम समय जब व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, सारी आशाएं बंद हो जाती हैं, तो
तो अंततः व्यक्ति को ईश्वर का ही सहारा होता पर वो है। वो कह रहे हैं कि मैं तो सरकार बनाने के लिए घूम रही हूं, अब तो इस बार ही सरकार बनाएंगे हम। जो सरकारें थी वो पहले से जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का सपना तो बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश की जनता भोली नहीं है। जब